ठाकुरों के लिए आनंद मोहन मारेंगे पलटी। राजपूत विवाद ने बिहार में किया खेल। महागठबंधन को लगेगा महाझटका। बिहार की राजनीति में इस वक्त राजपूतों का मुद्दा काफी गर्म है। स्थिति यह है कि कई नेता जहां मनोज झा का समर्थन कर रहे हैं, तो कई नेताओं ने मनोज झा को खुली धमकी दे दी है। खासकर आनंद मोहन और उनका परिवार काफी ज्यादा आक्रामक दिख रहा है। चाहे खुद आनंद मोहन हो या उनके बेटे चेतन आनंद या फिर बेटी सुरभि आनंद, सबने मनोज झा पर तीखी टिप्पणी की है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि चेतन आनंद सीहोर से आरजेडी के विधायक है, जबकि लवली आनंद भी आरजेडी में है। ऐसे में यह चर्चा अब शुरू हो गई है कि क्या आनंद मोहन पलटी मारने वाले हैं। दरअसल आनंद मोहन जेल से बाहर आने के बाद आए दिन बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आनंद मोहन चुनावों में महागठबंधन से जुड़े रहेंगे, लेकिन अब तो वो लालू यादव से भी टकराते दिख रहे हैं। देखें तो आनंद मोहन के आरोपों पर लालू यादव ने उन्हें ही खरी खोटी सुना दी है। लालू यादव ने कहा कि आनंद मोहन को जितनी बुद्धि होगी उतना ही बोलेंगे। वहीं चेतन आनंद के बारे में लालू यादव ने कहा कि उनको भी अक्ल नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चेतन आनंद पर राजद कार्रवाई भी कर सकती है। यानी कि लालू यादव ने यह साफ कर दिया कि इस विवाद में वह और उनकी पार्टी मनोज झा के साथ है। दूसरी तरफ आनंद मोहन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने भी मनोज झा को घेरते हुए लालू यादव को सख्त संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर हम किसी के साथ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीतिक तौर पर भिखमंगा हैं। आनंद मोहन ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों में हैं और मरते दम तक इसके लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसकी परवाह नहीं करते हैं कि कौन सी पार्टी किसके साथ खड़ा है। यानी कि आनंद मोहन अब राजद के खिलाफ तनकर खड़े हो गए हैं, तो क्या राजद से उनका मोह खत्म हो गया है? देखें तो आनंद मोहन कहीं ना कहीं आज भी खुद को राज्य में राजपूतों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, जबकि इन समय राजपूत समेत स्वर्ण जातियों का वोट ज्यादातर बीजेपी को मिलने लगा है। ऐसे में आरजेडी या जदयू के साथ रहकर राजपूतों का समर्थन पाना आनंद मोहन को शायद चुनौतीपूर्ण लग रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद और पत्नी लवली आनंद दोनों को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन राजद इन दोनों को उम्मीदवार बनाएगी ऐसा मुश्किल है। इसलिए आनंद मोहन संभवतः नए ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। वैसे भी भाजपा में आनंद मोहन के शुभचिंतक दिल्ली से पटना तक भरे हैं। ऐसे में अब क्या यह समझ लिया जाए कि आनंद मोहन के बदले तेवर बीजेपी के लिए शुभ संकेत है? बता दें कि बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 6-8% है। वहीं कई लोकसभा क्षेत्रों के साथ साथ 30-35 विधानसभा सीटों में इस जाति की मजबूत पकड़ है। ऐसे में अगर आनंद मोहन ने राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो इससे महागठबंधन को जोर का झटका लग सकता है। वैसे भी जेल से बाहर आने के बाद से ही आनंद मोहन लगातार जनता से मिल रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो समय आने पर इसका फैसला करेंगे कि उन्हें किस पार्टी या गठबंधन से जुड़ना है। तो जिस तरह से उन्होंने लालू यादव को एक तरह से करारा जवाब दिया है, उससे क्या इसका संकेत समझा जाए कि उन्होंने फैसला कर लिया है? हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि इतने विवाद के बाद आनंद मोहन आगे क्या कदम उठाते हैं।